नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल लर्न टू अर्न बाय केआर। सो फ्रेंड्स, टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट फाइव कंपनीज, पांच कंपनीज के बारे में डिस्कस करेंगे जिन्होंने आज अपना रिजल्ट, डिविडेंड, बायबैक। सो किसी कंपनी ने बायबैक, किसी ने डिविडेंड, किसी ने रिजल्ट का अनाउंसमेंट किया, तो सब में न्यूज अटैच है, उन सभी चीजों को डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट कंपनी फॉर टुडे, दैट इज पेट्रोनेट एलएनजी। तो यहाँ देख सकते हैं पेट्रोनेट एलएनजी का यहाँ पर प्राइस 263 रुपीज 30 पैसे की प्राइस में ट्रेड कर रही है। एंड कंपनी का रिटर्न के मामले में चेक कीजिए ऑल टाइम में, तो 3,490, लगभग 3,500% कंपनी ने रिटर्न दिया है। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था 192 के प्राइस में ट्रेड कर रही थी, और वहां पर क्लियरली स्टेट किया था कि यहाँ पर एक बाई जोन बनता है। डिविडेंड भी हम लोगों ने लिया, अच्छा खासा रिटर्न भी आया, हम देखिए अच्छे खासे अभी प्रॉफिट में भी है। तो ये मल्टी बैगर स्टॉक है, लास्ट टाइम भी बताया था, अभी भी यही बात बोल रहा हूँ। अब कंपनी का रिजल्ट को चेक कर लेते हैं, कंपनी का रिजल्ट आया कैसे। तो फ्रेंड, यहाँ पर रिजल्ट जो रहता है, कंपनी ने आज अनाउंस किया है, ये देखिए 2022 का रिजल्ट है, लास्ट ईयर का। कंपनी ने आज ये रिजल्ट अनाउंस किया है, और ये प्रीवियस क्वार्टर का रिजल्ट है। कंपनी का इनकम को चेक कीजिए, यहाँ पर इनकम तो 15,000, अभी जो है 14,903 का है, लास्ट ईयर 15,955 का था। तो यानी इनकम में गिरावट है, ईयरली बेसिस में गिरावट है, जो कि अच्छा नहीं है। एंड क्वार्टरली बेसिस में बढ़कर आ रहा है, तो ठीक है, 12,688 से बढ़ करके 14,000, तो क्वार्टरली बेसिस में बढ़ गया, ईयरली बेसिस में गिरावट है। अब कंपनी के एक्सपेंस को चेक किया जाए, तो एक्सपेंस में इन्होंने अच्छा खासा कटौती किया, 13,306 अभी है 13,000 का, लास्ट ईयर था 14,000 का, प्रीवियस क्वार्टर में था 11,587। तो प्रीवियस क्वार्टर से एक्सपेंस बढ़ा है, लेकिन लास्ट ईयर से कंपेयर कीजिएगा तो अच्छा खासा गिरावट है। तो इस कारण से कंपनी का इनकम को एक्सपेंस से माइनस कीजिएगा, तो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया, जो कि बढ़कर आ रहा है। अगर लास्ट ईयर से चेक कीजिएगा तो 1,596 का अभी है, लास्ट ईयर था 1,580, ऑलमोस्ट बराबर सा है, लेकिन बड़ा इंक्रीज थोड़ा किया है। एंड प्रीवियस क्वार्टर से तो अच्छा खासा बढ़कर आ रहा है, तो ईयरली एंड क्वार्टरली बेसिस दोनों में कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया, बस एक्सपेंस में कटौती करने के कारण। अब ये कंपनी का टैक्स माइनस करने का नेट प्रॉफिट 1,190 का अभी है, लास्ट ईयर था 1,175 का था, एंड प्रीवियस क्वार्टर में 1,814। तो देखिए प्रॉफिट के मामले में अगर चेक कीजिएगा तो कंपनी का बढ़िया रिजल्ट है, लेकिन सेल्स के मामले में गिर कर आ रहा है, मिला जुला सा रिजल्ट है। सो मुझे रिजल्ट उतना पसंद इसलिए नहीं आया क्योंकि कंपनी का सेल्स नहीं बढ़ा है ईयरली बेसिस में, लेकिन कल देखने वाली बात है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में कैसा उसमें रिएक्शन रहेगा। सो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है आपको यहाँ से थोड़ा सा गिरावट होने के बाद फिर से बाउंस बैक देखने को मिल जाए। ओके, आगे बढ़ते हैं विद नेक्स्ट कंपनी, दैट इज एनटीपीसी। एनटीपीसी 325 के प्राइस में ट्रेड कर रही है, 400% से ज्यादा का कंपनी ने रिटर्न दिया है। ये भी एक मल्टी बैगर स्टॉक है, एंड कंपनी ने आज डिविडेंड प्लस रिजल्ट का अनाउंसमेंट किया है। तो देखिए कंपनी ने डिविडेंड जो है 2 रुपीज 25 पैसा पे, 2 रुपए 25 पैसा का डिविडेंड अनाउंस किया है। प्रति शेयर एक शेयर पे मिलेंगे 2 रुपए 25 पैसा, और रिकॉर्ड डेट जो फिक्स किया है वो है 6 फरवरी 2024, 6 फरवरी 2024 फिक्स किया है रिकॉर्ड डेट। तो ये डिविडेंड को लेकर के इंपॉर्टेंट अपडेट एनटीपीसी को लेकर के। एंड मूविंग टू द रिजल्ट पार्ट, तो यहाँ पर सिमिलर है, 2022 का ये लास्ट ईयर कंपनी ने आज रिजल्ट अनाउंस किया है, ये है ये प्रीवियस क्वार्टर का रिजल्ट है। कंपैरिजन किया जाएगा तो देखिए 43,574 का इनकम है, 43 लास्ट ईयर था 44,989 या 45 था, तो 45 से इनकम गिर करके 43 हो गया, जो कि अच्छा नहीं है। एंड क्वार्टरली बेसिस में देखिए इनकम 45 से गिर करके 43 हुआ, ईयरली एंड क्वार्टरली बेसिस दोनों में कंपनी का इनकम में गिरावट है, जो कि बढ़िया नहीं है। एक्सपेंस देखिए 38782 का अभी है, 3,800 का, लास्ट ईयर था 3,700 का, प्रीवियस क्वार्टर में था 39 का था। अब दोनों का माइनस करेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया 4,792 का अभी आया है, लास्ट ईयर था 7,981 का, एंड प्रीवियस क्वार्टर में 6,123 का। यानी प्रॉफिट में भी ईयरली एंड क्वार्टरली बेसिस में गिरावट है, जो कि बढ़िया नहीं, अच्छा नहीं है। अब है कंपनी का नेट प्रॉफिट चेक कीजिएगा, तो यहाँ भी देखिए आपको गिरावट ही देखने को मिलेगा, जो कि अच्छा नहीं है। कल के दिन में आप, हो सकता है आपको इस शेयर में अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल जाए एनटीपीसी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट कंपनी, दैट इज जी एंटरटेनमेंट। यहाँ पर अगर आप चेक कीजिएगा ईयर टू डेट में, एक साल के अंतराल में 43% से ज्यादा यहाँ पर गिरावट देखने को मिल जाए, जो कि अच्छा नहीं है। एंड अब एक डिप्लोमेटिक रिप्लाई आ रहा है इनके प्रमोटर की तरफ से, देखिए जी प्रमोटर प्लान टू इंक्रीज स्टेक टू 26%, आस्क इन्वेस्टर टू हैव पेशेंस। पेशेंस रखने की बात हो रही है कि 26% अपना स्टेक इंक्रीज करेंगे कम दाम में, और हम लोगों को बोल रहे हैं कि आप पेशेंस रखिए। सुभाष चंद्रा ऑल्सो अर्ज जी शेयर होल्डर्स टू हैव पेशेंस इन एन इंटरव्यू, एडिंग दैट पुनीत गोयनका इज द राइट पर्सन टू लीड द प्रॉफिटेबल जीरो डेट कंपनी। तो पुनीत गोयनका को राइट पर्सन बता रहे हैं, जो कि अब सबको पता है कि कहाँ पर ये जी एंटरटेनमेंट प्राइस ट्रेड करती थी, कहाँ से कहाँ तक ये आ चुका है, और यहाँ पर अब बोल रहे हैं बहुत अच्छे लीडर हैं। ओके, सो प्लानिंग टू इंक्रीज प्रमोटर स्टेक इन द कंपनी बैक फ्रॉम 26%। अभी इनका स्टेक 4% का है, जो कि बढ़ाना चाहते हैं 26%। ही सेड दैट इन एन इंटरव्यू विद मिंट, तो मिंट के साथ एक इंटरव्यू चली थी जहां पर उन्होंने ये बात बोला है। ही एडेड दैट ही डज नॉट हैव अ प्लान ऑन रेजिंग इन ए डेप्थ, तो कर्ज नहीं, कर्ज लेकर के काम नहीं करेंगे फ्रॉम आउटसाइड,
लेकिन इस फंड इसके लिए इनको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी, नीड अ लॉट ऑफ मनी एंड इट विल टेक, तुरंत में नहीं होने वाला, इट विल इट्स नॉट गोइंग टू बी ओवरनाइट, वी डोंट वॉन्ट डेट। तो इस तरीके से इनका कहना है कि बहुत पैसे की जरूरत है, तुरंत में होने वाले भी नहीं है, लेकिन अपना स्टेक इंक्रीज करना चाहते हैं, और पेशेंस को आप शेयर होल्डर्स को बोलते हैं अपना पेशेंस को होल्ड रखिए। सो ये देखिए बहुत ही डिप्लोमेटिक रिप्लाई आ रहा है, आप देखते हैं कब तक इनका स्टेक यहाँ इंक्रीज करता है 4% से 26%। ओके नेक्स्ट मूविंग टू गरारे टेक्निकल फाइबर्स, जहां पर कंपनी ने रिजल्ट एंड बायबैक अनाउंसमेंट किया है, उसके ऊपर मूव करते हैं। तो कंपनी का अगर ऑल टाइम हाई चेक कीजिएगा, तो ऑल टाइम हाई नहीं ऑल टाइम रिटर्न चेक कीजिएगा, तो 4,500% से ज्यादा का कंपनी ने रिटर्न दिया है। जबरदस्त स्टॉक है, मल्टी वैगा स्टॉक है, और यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल ब्रेकआउट के पास ये खड़ी है, चार्ट में चेक कर सकते हैं, और यहाँ से अगर ब्रेकआउट होगा तो आसानी से इसे 4,000 का लेवल अचीव होगा, क्योंकि कंपनी ने बायबैक के लिए अनाउंस किया है। तो अपने फंडामेंटली सब कुछ को स्ट्रॉन्ग होने के कारण ही कंपनी बायबैक अनाउंस करती है, प्रीमियम में बायबैक होता है। और यहाँ पर बायबैक को लेकर के जो अपडेट आ रहा है उसको हम चेक कर लेते हैं। तो कंपनी ने बायबैक को लेकर के प्रपोजल अप्रूव किया है, देख सकते हैं, फॉर बायबैक ऑफ 5,25,000 शेयर्स फ्रॉम ऑल शेयर होल्डर्स, बेनिफिशियल ओनर्स, इक्विटी होल्डर्स इंक्लूडिंग प्रोमोटर। तो प्रोमोटर वगैरह सबको इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और ये टेंडर ऑफर रूट के थ्रू होगा। एंड जो बायबैक का प्राइस जो सेट किया है 3,800 का, 3,800 का प्राइस सेट किया गया है। सो ये अच्छा खासा प्रीमियम में बायबैक हो रहा है। अभी अभी इसका प्राइस चल रहा है, देख सकते हैं 3,660, 3,700 के प्राइस में चल रहा है, तो 100 रुपये के प्रीमियम में चल रहा है। तो बहुत बड़ा, बहुत हाई प्रीमियम में कंपनी नहीं कर रही है, मात्र 140 रुपये के प्रीमियम में ही चल रहा है ये बायबैक होगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग नहीं होने वाला है। एंड प्लस बायबैक का साइज को अगर आप चेक कीजिएगा, तो यहाँ देख सकते हैं बायबैक का जो साइज जो है यहाँ बताया जा रहा है, आप ये बायबैक का साइज 19.63% एंड 19.91% का है। एंड सो ये इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है रिलेटेड टू बायबैक, और कंपनी का ये भी कहना है कि ये अप्रूवल के लिए जाएगी। सो हाउएवर इन टर्म्स ऑफ सेबी बायबैक रेगुलेशन, द बोर्ड बायबैक कमिटी विल लास्ट वर्किंग डे तक ये बायबैक रिकॉर्ड डेट से पहले तक इंक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज द इंडिकेटिव बायबैक प्राइस, डिक्रीज द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो जैसे उनकी मर्जी की वैसा काम करेंगे, एज पर रिकॉर्ड डेट से पहले अगर कोई ऐसा अपडेट आता है तो कंपनी उसके लिए इन्फॉर्मेशन देगी। ओके और इसके अलावा जो है इस बायबैक में देख सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑल्सो नोटेड दैट इंटेंशन ऑफ प्रमोटर एंड मेंबर ऑफ द प्रमोटर ऑफ द कंपनी ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन प्रपोज बायबैक, तो वो भी बाई कर सकते हैं। ओके और बायबैक ऑफर इज सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स बाय वे ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन थ्रू पोस्टल बैलेट बाय रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ओनली एंड ऑल अदर एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी अप्रूवल। तो अभी ये अप्रूवल की जाएगी, तब यहाँ पर फिर अभी और अपडेट आएगा कंपनी की तरफ से। ये है रिलेटेड टू बायबैक। नाउ मूविंग टू द रिजल्ट पार्ट, कैसा रिजल्ट है उसको चेक करने वाली बात है। तो यहाँ पर देखिए 2022 का रिजल्ट है, ये कंपनी ने आज रिजल्ट अनाउंस किया, ये कंपनी का प्रीवियस क्वार्टर का रिजल्ट है। इनकम में देखिए 30,000 लास्ट ईयर था, 28,000, 20 से बढ़कर के 30 हुआ है, जो कि बढ़िया है। क्वार्टरली बेसिस में गिरावट है, तो ईयरली बेसिस में जंप है, क्वार्टरली बेसिस में गिरावट है। कंपनी के एक्सपेंस को चेक किया जाए, ये देखिए 24,000 अभी है, लास्ट ईयर था 23,000, प्रीवियस क्वार्टर में था 27,000। तो कंपनी का डायरेक्टली हम लोग चेक करते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड क्या है टैक्स हटाने के बाद, तो 4,326 का अभी प्रॉफिट आया है, लास्ट ईयर था 4,3657, यानी ईयरली बेसिस में अच्छा खासा जंप है, क्वार्टरली बेसिस में गिरावट है। तो कंपनी का रिजल्ट हो गया मिक्स्ड काइंड ऑफ रिजल्ट है। तो कल की ट्रेडिंग सेशन में देखने वाली बात है कि अपनी जो ब्रेकआउट लेवल है क्या वो रेसिस्टेंस का काम करेगा, या फिर यहाँ से और ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। तो दोनों चीज पॉसिबल है, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। सो आप अपने रिस्क अनुसार ही ट्रेड इस शेयर में कीजिएगा। सो यहाँ पर दैट्स ऑल फॉर टुडे, यहाँ पर अपडेट आ रहा है रिगार्डिंग द बायबैक पार्ट एंड रिजल्ट पार्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट कंपनी, दैट इज पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, यहाँ पर देख सकते हैं 350% का रिटर्न ऑलरेडी शेयर ने दिया है, और आज कंपनी की तरफ से अपडेट आ रहा है, अपडेट है दैट कंपनी की मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग शेड्यूल की गई 7 फरवरी 2024 को, जहां पर वो अपना रिजल्ट का अनाउंसमेंट करेंगे एंड डिविडेंड सेकंड इंटरिम डिविडेंड का अनाउंसमेंट करेंगे, जिसका रिकॉर्ड डेट 15 फरवरी 2024 फिक्स किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है रिगार्डिंग पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना, थैंक यू।